Hello, my dear friends and viewers. God bless you. And you are welcome on the light platform of Target with Alok. I, S.N. Vishwa, English faculty of Target with Alok. You are well aware, my dear friends, that the institute is going to launch a fresh batch along with practice session of 2010. 500 questions and 100% much more likely that the question related to English in the upcoming examinations will be asked from that notes and the question series that you will get. So with these words and with a lot of blessing, with a prayer to Almighty, now we will discuss about the history of sonnet. You know, my dear friends, that like every literature, English is no exception as far forms of literature is concerned. Agar hum sahitya ke prakar ki baat kare to duniya ke sahitya mein jis tarah se sahitya ke alag alag prakar hote hain, इंग्लिश भी उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, उसका कोई अपवाद नहीं है। तो अगर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की हम चर्चा करें तो जितने भी तरह के, चाहे वो पर्सनल पोएट्री की बात हो, इम्पर्सनल पोएट्री की बात हो, ड्रामा के इतिहास की बात हो, उसके प्रकार की बात हो, नॉवेल के इतिहास या फिर ऐसे जितने भी प्रकार के हैं, तो इन सारे साहित्य के उपांगों की विस्तार से अगर चर्चा कर ली जाए तो 20 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर से ही मिल जाते हैं और बड़े ही एंटरटेनिंग वे में, बड़े ही दिलचस्प अंदाज में इसको पढ़ा जा सकता है। आई एम कॉन्फिडेंट एंड होपफुल दैट इफ यू हियर दिस लेक्चर वेरी अटेंटिवली, आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू विल लर्न by listening to the lecture that you are going to hear. Okay, my dear friends, agar hum literature ki baat karein, literature agar dekha jaye to ye do Latin words hain, ek to hai dear lit aur dusra kya hai rechura. Pehle thoda sa hum literature ki baat kar lein. तो लिटरेचर, द वर्ड इन इंग्लिश इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स लिट एंड रेचुरा। लिट इज रिटन एंड रेचुरा इज कंपोजिशन। सो व्हाट एवर रिटन कंपोजिशन दैट इज लिटरेचर, दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर का शाब्दिक अर्थ ही होता है रिटन कंपोजिशन, लिट और रेचुरा। अगर इसके फॉर्म्स की हम चर्चा करें तो लिटरेचर के जो फॉर्म्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स। लिटरेचर के अगर फॉर्म्स की चर्चा हो, फॉर्म्स की बात अगर हम करें तो पोएट्री है, प्रोश है। अगर पोएट्री की भी बात की जाए, आप ये सोच रहे होंगे कि ड्रामा कहाँ चला गया या फिर फिक्शन कहां चला गया। आई वुड लाइक टू से दैट ड्रामा कैन बी मर्ज्ड इनटू पोएट्री बिकॉज इट इज ऑडियो विजुअल पोएट्री। ड्रामा का मतलब ही होता है दृश्य श्रव्य काव्य, दैट विच कैन बी विजुअलाइज्ड एज वेल एज विच कैन बी सीन विच कैन बी हर्ड, जिसमें ऑडिबिलिटी भी हो और विजुअलिटी भी हो। इस तरह के काव्य को हम ड्रामा कहते हैं। तो ड्रामा की डेफिनेशन होती है ऑडियो विजुअल पोएट्री, दृश्य श्रव्य काव्य। फिक्शन की अगर बात की जाए तो फिक्शन कैन बी मर्ज्ड इनटू प्रोज। फिक्शन किस में? प्रोज में मर्ज हो सकता है। अब प्रोज में ऐसे भी है, ट्रेवलॉग भी है, और इसके साथ साथ जो नॉवेल भी है, ये सब किस में मर्ज हो जाते हैं? प्रोज में। वी विल डिस्कस इन एलेबरेट फॉर्म
लेटर ऑन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ये पोएट्री क्या है और पोएट्री कितनी तरह की होती है। तो पोएट्री एक तो पर्सनल हो सकती है और दूसरी क्या होती है, पर्सनल, और दूसरी है इम्पर्सनल। सो दैट ऑफ फॉर्म ऑफ पोएम विच रिलेट्स टू पर्सनल लाइफ ऑफ ए पोएट, जब किसी कवि के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित किसी बात को कविता के माध्यम से व्यक्त किया जाए तो उसको हम पर्सनल कहते हैं। और इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज सब्जेक्टिव पोएट्री, इसको सब्जेक्टिव भी आप कह सकते हैं। और अगर हिंदी में आप कहना चाहें तो आत्मगत, जो अपने से संबंधित हो। जब कोई कवि कोई कलाकार अपने जीवन के सुख दुख अपने जीवन की व्यक्तिगत अनुभूतियों को कविता के माध्यम से व्यक्त करता है तो उस तरह की कविता को हम पर्सनल पोएट्री में रखते हैं। और इम्पर्सनल विच इज नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, वो कविता जो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित ना हो, और विच कंटेन्स एन यूनिवर्सल अपील, विच कंटेन्स अ यूनिवर्सल अपील, जिसमें एक सार्वभौमिक बात हो, विच डज नॉट रिलेट टू एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, rather the contents matter of the poem relates to all and sundry, when there is universality in poetry, that form of poetry is known as impersonal, jisko hum objective bhi keh sakte hain, ya agar hindi mein kahen to isko hum samastagat bhi keh sakte hain, jo sabse sambandhit ho, kisi vyakti vishesh se sambandhit na ho karke, jo mano मात्र से संबंधित हो, सार्वभौमिक हो, उस तरह की कविता को हम इम्पर्सनल पोएट्री कहते हैं। और अगर हम पर्सनल पोएट्री के फॉर्म की बात करें तो पर्सनल पोएट्री के जो फॉर्म हो सकते हैं वो चार हैं। एक तो सनेट है, दूसरा है ओड, तीसरा एलेजी और लिरिक। सो दीज जेनरा पोएट्री आर टर्म्ड एज पर्सनल पोएट्री। इस तरह की कविताओं में कवि अपने जीवन के सुख दुख, अपने जीवन की नितांत व्यक्तिगत अनुभूतियों को या उसके जीवन से संबंधित घटनाओं का जिक्र होता है। तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे सनेट के इतिहास की। तो हिस्ट्री ऑफ सनेट, सनेट का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ सनेट। थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री, लेट्स मेक अ ब्रीफ सर्वे अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सनेट। तो माय डियर फ्रेंड, सनेट इज सिसिलियन डायलेक्ट। Sonnet is a Sicilian dialect Sonnet जो है वास्तव में Sicilian dialect है। dialect कहते हैं बोली को, और बोली वो चीज होती है, dialect वो होता है जिसका कोई लिखित इतिहास नहीं होता है, जिसकी कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट नहीं होती है, जिसका कोई व्यवस्थित ग्रामर नहीं होता है। इस तरह की बोली को हम क्या कहते हैं, डायलेक्ट कहते हैं। तो इन 3 BC जीसस क्राइस्ट के जन्म से भी या 3 शताब्दी पहले गियोकोमो दा लेंटिनी, थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान आप देते जाइएगा। इटली के साउथ में एक छोटा सा द्वीप है सिसिली, और सिसिली में जो जबान बोली जाती थी, जो बोली जब आम लोगों के द्वारा बोली जाती थी, उसमें सनेट को क्या कहा जाता था, सोनेटो कहा जाता था, सिसिलियन डायलेक्ट सोनेटो।
और सोनेटो का मतलब ही होता है लिटिल साउंड, या डियर लिटिल साउंड। सबसे पहले सोनेटो को गाया था गियो कोमो ने। सिसिली में एक छोटी सी जगह है लेंटिनी, दा का मतलब होता है आप, तो लेंटिनी का निवासी गियो कोमो ने सबसे पहले सोनेटो गाया था। लेकिन हैरत की बात यह है कि शुरुआत तो किया था गियो कोमो ने, इट वॉज ए डायलेक्टिकल सॉन्ग, क्या आप कह सकते हैं, इट वॉज ए डायलेक्टिकल सॉन्ग। ये वास्तव में गीत था देशज भाषा में, गवई गांव की भाषा में, गांव देहातों में, ग्रामीण अंचल में जिस बोली में गीत गाया जाता है उसी को डायलेक्टिकल सॉन्ग कहते हैं। लेकिन आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर गियो कोमोस डेथ, आफ्टर गियो कोमोस डेथ नो पोएट डिड एवर कंपोज, नो पोएट डिड एवर कंपोज सोनेटो, सोनेटो फॉर नियरली 1300 ईयर्स, 1300। गियो कोमो की मृत्यु के बाद किसी ने भी लगभग 1300 वर्षों तक किसी कवि ने ना तो कोई स्कोप, ना कोई ग्रामीण अंचल का कवि या गायक, किसी ने भी जो है सोनेटो कंपोज नहीं किया। लेकिन इन 14th सेंचुरी पेट्रार्क, 14वीं शताब्दी में पेट्रार्क गेव, बल्कि यूं कहा जाए कि रिवाइव्ड, पेट्रार्क रिवाइव्ड सोनेटो, सोनेटो को यानी कि सनेट को उसने क्या किया, पेट्रार्क ने ना केवल पुनर्जीवित किया बट आल्सो गेव लिटरेरी स्टेटस, बट आल्सो गेव लिटरेरी स्टेटस टू सनेट। सनेट को साहित्यिक दर्जा प्रदान करने का काम जो है पेट्रार्क ने किया। दिस इज द रीजन दैट पेट्रार्क इज कॉल्ड द फादर ऑफ सनेट। पेट्रार्क को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ सनेट के नाम से। सो पेट्रार्क इज नोन एज फादर ऑफ Petrarch is known as father of sonnet. Petrarch को जो है father of sonnet इसलिए कहा गया because he not only revived sonnet but also gave literary status to sonnet. So इसी कारण से Petrarch को father of sonnet कहते हैं। हुआ क्या कि he composed 314 sonnets. इसका ऑथेंटिकेशन है कि पेट्रार्क ने कुल 314 सोनेट कंपोज किया एंड 52 सॉन्ग्स, कितने गीत, 52 गीत भी उसने कंपोज किए। गॉट देम पब्लिश्ड, गॉट देम पब्लिश्ड इन अ बुक, उसका टाइटल था कंजोनिए। वैसे तो डियर ये इटालियन वर्ड है, पढ़ने में तो आ जाता है कंजोनियर, लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं क्या, कंजोनिए। और कंजोनिए का मतलब होता है सॉन्ग ऑफ लव, सॉन्ग ऑफ लव,
प्रेम गीतों की भेंट, या चेत कंजोनिये, जिसमें कि पेट्रार्क ने 314 सनेट और 52 गीत को पब्लिश कराया था, उस 364 सांग और सनेट के संकलन का टाइटल रखा था कंजोनिये, CONJONIERE, कंजोनिये, और जिसको ऑफरिंग ऑफ लव सांग कहते हैं। कंजोनी का मतलब ही होता है ऑफरिंग ऑफ लव सांग, सॉरी ऑफरिंग ऑफ लव सांग, प्रेम गीतों की भेंट। और इस कंजोनी किताब को पेट्रार्क डेडिकेटेड कंजोनिये क्वेश्चन हायर में भी पूछा गया है, नेट में भी पेट्रार्क डेडिकेटेड कंजोनिये 2 his beloved लौरा डी नोवी, नोवी इलाके की रहने वाली लौरा, जो कि पेट्रार्क की प्रेमिका थी। लौरा को उसने कंजोनिये नाम की किताब डेडिकेट कर दी, जिसमें कि उसके द्वारा लिखे हुए 314 सनेट थे और उसके साथ साथ 52 गीत भी थे, इसको डेडिकेट कर दिया। इसके बाद पेट्रार्क गेव स्पेसिफिक स्ट्रक्चर टू स्पेसिफिक स्ट्रक्चर टू सनेट। पेट्रार्क ने सनेट को एक विशिष्ट स्ट्रक्चर दिया। He composed his sonnet into 14 lines and divided them into 2 steps. उसको दो भाग में तोड़ता है, एक तो ऑक्टेव में और दूसरा सेस्टेट में। As for octave, that is 8 lines, 8 पंक्तियों में उसको तोड़ता है, और उसका जो सेस्टेट है, that is 6 lines। पेट्रार्क ने सनेट को 14 लाइनों में बांधा और उसको दो चरणों में तोड़ा, ऑक्टेव में और सेस्टेट में। ये जो इंफॉर्मेशन है ऑक्टेव में, अ प्रॉब्लम इज रेज्ड, ये विशिष्ट पहचान होती है पेट्रार्कन या इटालियन सेनेट की। माय डियर फ्रेंड्स, कि इन ऑक्टेव इनएविटेबली द सोनेटियर रेजेज ए प्रॉब्लम एंड इंसिस्टेड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम रेज्ड इन ऑक्टेव। ऑक्टेव में जो समस्या उठाई जाती है उसका सॉल्यूशन इज प्रेजेंटेड। सेस्टेट में जो समस्या ऑक्टेव में उठाई जाती है उसका जवाब दिया जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि सनेट हैज नो टाइटल, सनेट का कोई टाइटल नहीं होता है, क्योंकि सनेट एक तरह का सांग है। क्योंकि ज्यादातर प्रेम में लिखा गया इसलिए इसको लव सांग कह देते हैं, और गीतों का कोई टाइटल नहीं होता है इसलिए सनेट का भी कोई टाइटल नहीं होता है। इट्स वेरी फर्स्ट लाइन बिकम्स द टाइटल ऑफ सनेट। सनेट की जो पहली लाइन है वही जो है टाइटल बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हिज कंटेम्परेरी दांते, वैसे तो दांते का पूरा नाम है ड्यूरेंट आलघेरी देलगी दांते, लेकिन इतना बड़ा नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली दिस मच इज सफिस दैट ही इज नोन एज दांते। दांते कंपोज्ड 37 or 41 sonnets,
Now here, this is a matter of conjecture and also a controversy. Some scholars say that Dante composed 37 and some say that he composed 41. कुछ तो विद्वान ये कहते हैं कि उसने 37 सनेट कंपोज किया था और कुछ का मानना है कि वो 41 सनेट कंपोज किया था. बट दिस इज नॉट आवर मेन पॉइंट. व्हाट एवर सनेट डिड ही कंपोज, दिस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट मैटर. द ओनली थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट दैट ही डेडिकेटेड देम टू हिज beloved Beatrice. ये नाम याद रखना चाहिए क्योंकि Beatrice के बारे में नेट में कई बार पूछे, who was Beatrice and how did Dante immortalized her. Beatrice कौन है? ये Dante की प्रेमिका है. Dante ने अपनी प्रेमिका जिसको बीएट्रिस पोर्टिनेरी कहते हैं, सिंपल में इसको 22 भी कहते हैं, ठीक है, उसका एक निक नेम है 22 भी और वास्तविक पूरा नाम है बीएट्रिस पोर्टिनेरी. तो चाहे वो 31 सनेट लिखा हो या 41 जितने भी सनेट उसने लिखा उसने डेडिकेट कर दिया. जिस तरह से पेट्रार्क ने अपने सनेट्स और सॉन्ग को डेडिकेट किया था अपनी विलब्ड लौरा को, ठीक वैसे ही उसी को फॉलो करते हुए दांते ने भी अपने सनेट्स को अपनी प्रेमिका बीएट्रिस पोर्टिनेरी को डेडिकेट कर दिया और साथ में एक काम और भी किया. ही इमॉर्टलाइज्ड हर. He immortalized her by projecting the heroine of, by projecting the heroine of Divina Commedia. जिसको हम डिवाइन कॉमेडी भी कहते हैं, उसने 22 को या बीएट्रिस को अमर कर दिया डिवाइन कॉमेडी की हीरोइन प्रोजेक्ट करके. पूरे डिवाइन कॉमेडी की हीरोइन ने बनाता है फर्स्ट कैंटो का नाम है टावर इन्फर्नो. इन्फर्नो कहते हैं नर्क को. तो जो डिवाइन कॉमेडी का जो फर्स्ट कैंटो है, जिसको आप पहला खंड भी कह सकते हैं, उसमें बीएट्रिस के साथ नर्क से लेकर के स्वर्ग की यात्रा करता है. तो एक काम दांते ने ये किया कि अपनी प्रेमिका 22 को बीएट्रिस पोर्टिनेरी को अमर कर गया और जब तक डिवाइन कॉमेडी रहेगी तब तक जो है लोग बीएट्रिस को भी याद करते रहेंगे. नाउ वी हैड मेड ए ब्रीफ सर्वे अबाउट द हिस्ट्री ओरिजिन ऑफ सनेट. सनेट की ओरिजिन और इटालियन सनेट के बारे में जो है हम लोगों ने थोड़ी सी सर्वे कर लिया. नाउ द क्वेश्चन डज अराइज बाय होम एंड इन विच सेंचुरी सनेट रीच्ड इनटू इंग्लिश लिटरेचर. सवाल ये पैदा होता है कि अंग्रेजी साहित्य में सनेट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया और किस सदी में पहुंचा. तो उसके लिए सनेट इन इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य में सनेट कब पहुंचता है? तो It was introduced by Thomas Wyatt. Thomas Wyatt Henry VIII का courtier भी था. He was also a diplomat. तो Thomas Wyatt
एक डिप्लोमेटिक मिशन पर गया था इटली में. देयर ही केम अक्रॉस विद द कंपोजिशन ऑफ पेट्रार्क एंड दांते. दिस वॉज ए स्पेसिफिक जेनर ऑफ पोएट्री, क्योंकि एक कविता की नई विधा थी. और याद रखिएगा, सांग और सनेट उस समय तक अंग्रेजी साहित्य में किसी ने लिखा नहीं था. तो अंग्रेजी साहित्य में इसको इंट्रोड्यूस करने का काम किसने किया था? थॉमस व्याट ने, राइट. थॉमस व्याट ने न केवल सनेट को इंट्रोड्यूस किया, बल्कि ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड ओटावा राइमा. ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड ओटावा राइमा. ओटावा राइमा, डियर, ये वास्तव में स्टेंजा फॉर्म है, और जिसकी इजाद किया था दांते ने. पहली बार दांते ने इसका प्रयोग अपने डिवाइन कॉमेडी में किया था. तो अंग्रेजी साहित्य में जो कंट्रीब्यूशन है थॉमस व्याट का, वो दो है. एक तो ही इज नोन एज इंट्रोड्यूसर ऑफ सनेट इनटू इंग्लिश लिटरेचर, एज वेल एज ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड ओटावा राइमा इन इंग्लिश लिटरेचर, राइट. और ये भी ध्यान रखिएगा कि थॉमस व्याट फॉलोड दैट स्ट्रक्चर विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई पेट्रार्क एंड दांते. तो सनेट के जिस फॉर्म को पेट्रार्क ने इटालियन भाषा में इंट्रोड्यूस किया था, व्याट आल्सो फॉलोड द सेम पैटर्न, सेम स्ट्रक्चर. मतलब उसके सनेट भी 14 लाइनों के ही थे, लेकिन ऑक्टेव और सेस्टेट में जो है बटे हुए थे. अब यहां से थोड़ा सा हिज कंटेम्परेरी अर्ल ऑफ सरे, जिसको हेनरी होवर्ड भी कहते हैं, डियर, क्या, हेनरी होवर्ड, आल्सो कंपोज्ड सनेट. और ये भी ध्यान रखिएगा कि अर्ल ऑफ सरे ने पेट्रार्कन पैटर्न को तो फॉलो किया ही, इसके साथ साथ उसने सनेट को एक नया स्ट्रक्चर भी दिया गया सरे के द्वारा, जिसको हम इंग्लिश सनेट या शेक्सपियरियन सनेट भी कहते हैं. ही गेव अ न्यू स्ट्रक्चर टू सनेट, न्यू स्ट्रक्चर टू सनेट. सनेट को उसने एक जो है नया ढांचा प्रदान किया, एक नया स्ट्रक्चर दिया. हुआ क्या कि जहां तक अगर हम इटालियन सनेट की बात करें, तो ऑक्टेव में जो राइम स्कीम ए बी बी ए, और जो सेस्टेट की है सी डी ई, सरे ने क्या किया कि अपने सनेट में तो रखा 14 ही लाइनें, लेकिन उसको उसने 4 स्टेप में तोड़ दिया. फर्स्ट क्वाट्रेन, क्वाट्रेन, सेकेंड क्वाट्रेन, और फिर थर्ड क्वाट्रेन. और फिर इसके बाद जो है उसने क्या किया कि राइम्ड कोपलेट. इसकी एक विशेषता होती है, जहां तक ये सारी चीजें तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन राइम्ड कोपलेट में एक कंक्लूजन पेश कर देता है. जिस तरह से इटालियन सनेट में क्या होता है कि ऑक्टेव में एक समस्या उठाई जाती है, सेस्टेट में उसका जवाब दिया जाता है, लेकिन इस चीज को अर्ल ऑफ सरे ने खत्म किया. 3 क्वाट्रेन उसने बनाए 4-4 लाइनों के, लेकिन उन 12 लाइनों का जो निचोड़ था वो राइम्ड कोपलेट में एक कंक्लूजन है.
तो हम ये कह सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट ए बी, ए बी, सी डी और सी डी, ई एफ और ई एफ, ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट का स्ट्रक्चर राइम स्कीम। और राइम्ड कुपलेट में जिसको हम जी जी कहते हैं, वास्तव में ये कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ थ्री क्वाड्रेंट्स, तीनों क्वाड्रेंट का जो है कंक्लूजन राइम्ड कुपलेट में जो है पेश कर दिया जाता है। विशेष बात अब ये ध्यान देना है कि फॉर द फर्स्ट टाइम सॉन्ग एंड सोनेट्स, वर पब्लिश्ड इन 1557 इन अ मैगजीन जिसको हम टॉटल्स मिसलेनी कहते हैं, पहली बार सांग और सनेट का प्रकाशन टॉटल नाम का एक अंग्रेज था जो एक साहित्यिक पत्रिका निकाला करता था, तो पहली बार सांग और सनेट का प्रकाशन 1557 में हुआ था। और उसमें उस पत्रिका को टॉटल्स मिसलेनी कहते हैं। इसमें कुल जो है डियर 271 पोएम्स, फर्स्ट एडिशन, ये नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट एडिशन कंटेन्ड, फर्स्ट एडिशन कंटेन्ड 271 पोएम्स, 271 कविताएं जो हैं पब्लिश हुई थी। और क्या कौन कौन सी थी इसकी जो है थोड़ी सी जानकारी, जो विशेष जानकारी ये आपको जाननी चाहिए, उसमें तो जो है 40 जो ये सरे के थे, 40 पोएम्स बाय सरे, जिसको हेनरी होवर्ड कहते हैं, अर्ल ऑफ सरे, उसने जो है 40 कविताएं कंट्रीब्यूट की थी, 96 पोएम्स, 96 बाई थॉमस व्याट, डियर अब जो भी एग्जाम आ रहे हैं वो उसको थोड़ा डेप्थ में पूछे जा रहे हैं प्रश्न, तो जो काफी रेलेवेंट चीजें हैं उसको आप अपने दिमाग में रखिएगा। वैसे तो टारगेट विद आलोक और इसके जितने भी मेंबर हैं वो पूरी तरह से डेडिकेट हैं आप लोगों के लिए, अपने मेंबर्स के लिए, हमसे जो भी लोग जुड़े हैं उनके लिए पूरी तरह से हमारा समर्पण का भाव है। तो अब थोड़ा सा डेप्थ में जाने की जरूरत रहती है। और ये भी आपको विश्वास बता दूं कि यहाँ के जितने भी टीचर हैं दे आर स्क्रीनड आउट वन, ऐसे नहीं कि किसी अरे गहरे को बुला लिया जाए और उनसे जो है पढ़वाना शुरू कर दिया जाए, नॉट एट ऑल। कई स्टेप में, कई चरण में उसकी टीचर्स की स्क्रीनिंग की जाती है। एंड व्हेन द बोर्ड ऑफ सिलेक्शंस फाइंड देम फिट दे आर असाइंड टू देयर टास्क। तो मैं ये कह रहा था कि इन फर्स्ट एडिशन विच वॉज ब्रॉट आउट इन 1557 दैट कंटेन 270 पोएम्स, 71 पोएम्स, जिसमें कुल जो है कितनी पोएम्स थी फर्स्ट एडिशन में, फर्स्ट एडिशन कंटेन्ड 271 पोएम्स। मैं अभी ये भी आपको बताता हूं कि कितने सनेट थे और किसके किसके द्वारा जो है लिखे गए थे। तो छान भी कविताएं
ये व्याट ने कंट्रीब्यूट की थी, 40 कविताएं ग्रीमाल्ड ने, 40 पोएम्स बाय ग्रीमाल्ड। कविता एक ग्रीमाल्ड, और 95 पोएम्स वर कंट्रीब्यूटेड बाय कंट्रीब्यूटेड बाय अननोन पोएट्स। और ये 95 कविताएं थी, ये अज्ञात कवियों ने जो है इसको जो है कंट्रीब्यूट किया था। केरला बोर्ड में एक एग्जाम भी पूछा गया था कि व्हाट वाज द पर्टिकुलर ईयर इन विच द फाइनल एडिशन ऑफ टॉटल्स मिसलेनी वाज ब्रॉट आउट, किस वर्ष में टॉटल्स मिसलेनी का आखिरी प्रकाशन। तो ये ध्यान रखिएगा कि द फाइनल एडिशन ऑफ टॉटल्स मिसलेनी, मैं TM लिख दे रहा हूं, टॉटल्स मिसलेनी वाज ब्रॉट आउट 1587 में, वॉज ब्रॉट आउट इन 1587। ये आखिरी बार टॉटल्स मिसलेनी छप करके निकली थी 1587 में। नाउ प्रश्न हमारा ये है कि हाउ मेनी सनेट्स वर कंट्रीब्यूटेड बाय डिफरेंट पोएट्स। सनेट अगर पर्टिकुलर की बात की जाए तो सनेट्स सनेट्स कंट्रीब्यूटेड टू टॉटल्स मिसलेनी में कितने सनेट और किसके किसके द्वारा कंट्रीब्यूट किए गए थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, 27 बाई व्याट। वैसे तो ये ध्यान रखिएगा कि 37, लेकिन 10 सनेट ओरिजिनली उसने ट्रांसलेट किया था पेट्रार्कन सनेट को, लेकिन उसका जो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन था वो 27 सनेट्स का, और 15 सनेट्स बाय शरे, अर्लाप शरे ने केवल जो है 15 सनेट दिए था, और निकोलस ग्रीमाल्ड ने 3 सनेट, 3 बाय निकोलस ग्रीमाल्ड, वही जो ग्रीमाल्ड है निकोलस ग्रीमाल्ड, और इसके साथ साथ जो 9 सनेट्स वर कंट्रीब्यूटेड बाय अननोन, 9 बाय अननोन। This is crucial information about song and sonnets which were published in Tottel's Miscellany in 1557. Okay, my dear friends, let's go ahead to further step. आगे के चरण की बात हम चर्चा कर लेते हैं सनेट को लेकर के। फिर इसके बाद क्या होता है कि सनेट को एक सीक्वेंस में, और द मोमेंट the time when it was contributed, when it was published, then every major and minor poets of England started composing sonnets. इस कविता की नई विधा का जब पहली बार प्रकाशन हुआ टॉटल्स मिसलेनी में, तो प्रतीक नामचीन और जो है नाम मशहूर कवियों ने सनेट को लिखना शुरू किया। हर किसी ने जो है सनेट को लिखना शुरू कर दिया, और ज्यादातर ये दे फॉलोड द स्ट्रक्चर एज वाज गिवन बाय अर्ल ऑफ शरे। इसके बाद एक और भी दौर आता है सनेट को सीक्वेंस में लिखने का। किसी भी प्रेम की घटना को, किसी प्रेम प्रसंग को, या किसी बात को सिलसिलेवार सनेट के माध्यम से व्यक्त करना, वो सनेट सीक्वेंस कहलाता है। The first sonnet in English literature
तो अंग्रेजी साहित्य का जो पहला सनेट सीक्वेंस है, फर्स्ट सनेट सीक्वेंस, वो डियर है आपका एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। दिस सनेट सीक्वेंस कंटेन्ड 108 सनेट्स और इसको लिखा सिडनी ने, जहां तक एज फॉर टाइटल ऑफ दिस सनेट सीक्वेंस इज कंसर्न, दिस इज बेस्ड ऑन ग्रीक मिथ एस्टर। एस्टर कहते हैं स्टार को और फिल कहते हैं लव को, इसी से फिलान्थ्रोपिस्ट बना है। स्टीला भी जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टार। टाइटल जो ग्रीक है, स्टेला का मतलब होता है स्टार। लेजेंड इन ग्रीक मिथ गोज ऑन, कहानी ये कही जाती है कि एक एस्ट्रोफेल नाम का जो है नौजवान था जो बेपनाह मोहब्बत करता था किससे, स्टेला नाम की लड़की से, बट अनफॉर्चुनेटली स्टेला डाइड प्रीमैच्योरली, कम उम्र में गुजर गई। एंड एस्ट्रोफेल वॉज बिरीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ द लव ऑफ स्टेला, ही बिकेम सो सोरोफुल दैट गॉड्स टुक पिटी ऑन हिम एंड ट्रांसफॉर्म्ड स्टेला इनटू स्टार। इतनी तड़प पैदा हुई एस्ट्रोफेल के मन में एस्टेला के मर जाने के बाद कि उसके ऊपर रहम खा करके प्रेम करके देवताओं ने स्टेला को स्टार में कन्वर्ट कर दिया। तो जब तक धरती के ऊपर एस्ट्रोफेल रहा, वो स्टेला को देख देख करके ही ड्रीव कंसोलेशन, ढाड़स महसूस करता रहा। नाउ दिस इज डायरेक्ट डायरेक्ट एलिगरी ऑफ एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये है कि एस्ट्रोफेल के रूप में किसने अपने आप को पेश किया है, तो सिडनी हिमसेल्फ, सिडनी प्रोजेक्टेड हिमसेल्फ। किस रूप में अपने आप को पेश किया, एज एस्ट्रोफेल। एस्ट्रोफेल कौन है, तो वो सिडनी खुद है। और एज फार स्टेला दैट इज स्टार इज कंसर्न, ये उसकी स्टार है पेनेलप डेवरो, पेनेलप डेवरो। वास्तव में द फैक्ट शुड बी बॉर्न इन माइंड दैट पेनेलप वॉज बेट्रोथेड टू सिडनी, सिडनी से पेनेलप की मगनी हो चुकी थी, लेकिन ये मगनी टूट गई और फिर पेनेलप ने जो है शादी कर लिया लॉर्ड रिच से, और क्या बन गई, लेडी रिच। आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ द बेट्रोथल पेनेलप मैरिड टू लॉर्ड रिच एंड बिकेम लेडी रिच, वो लेडी रिच। और अंग्रेजी साहित्य में पहला ऐसा सनेट सीक्वेंस है माय डियर फ्रेंड्स जो कि पेनेलप के शादी करने के बाद भी सिडनी की मोहब्बत पेनेलप डेवरो से जारी रही, और उसके प्रेम प्रसंग में सिलसिलेवार ढंग से उसने 108 सनेट लिख डाला और उसका टाइटल रखा क्या, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। नाउ दैट वाज फॉलोड द सनेट सीक्वेंस इन इंग्लिश लिटरेचर वाज कंपोज्ड बाय स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर ने जब ये देखा कि सिडनी ने अपने प्रेम प्रसंग को सिलसिलेवार ढंग से 108 सनेट में व्यक्त किया, तो स्पेंसर ने भी एक दूसरा सनेट सीक्वेंस लिख डाला, सेकंड सनेट सीक्वेंस
वह है आपका एमेरोटी। डियर, एमेरोटी वर्ड जो है वह एमरस से बना है, किससे, और एमरस कहते हैं लव को। तो एमेरोटी मीन्स हो गया पर्टेनिंग टू लव, कंसर्निंग लव, प्रेम से संबंधित। और एमेरोटी सनेट सीक्वेंस में कुल 88 सनेट्स हैं। कितने? 88 सनेट्स। और इनको कंपोज किया स्पेंसर ने, एडमंड स्पेंसर ने। घटना के बारे में, हालांकि जब विस्तार से मैं एलिजाबेथन पीरियड हम लोग पढ़ेंगे तो विस्तार से स्पेंसर की, बस इतना जान लिए कि 1580 में लॉर्ड ग्रे का सेक्रेटरी बनकर के आयरलैंड गया था स्पेंसर, और इसको किलकोल मेन कैसल जो कि टिरोनी रेवेलियन में जलाकर राख कर दिया गया था, वहां पर लॉर्ड ग्रे और उसके सेक्रेटरी के रूप में स्पेंसर ये किलकोल मेन कैसल को अपना ये ऑफिशियल रेजिडेंस भी बना लेते हैं। और किलकोल मेन कैसल के बगल में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था एलिजाबेथ बॉयल, एलिजाबेथ बॉयल। तो ये एमेरोटी सनेट सीक्वेंस में क्या है, स्पेंसर सेलिब्रेट्स, स्पेंसर सेलिब्रेट्स हिज लव फॉर एलिजाबेथ बॉयल, एलिजाबेथ बॉयल जो कि आयरिश लड़की थी, आयरलैंड की रहने वाली थी, इसकी मोहब्बत स्पेंसर के साथ 1580 में और 12 वर्षों की कोर्टिंग के बाद फाइनली 1592 में एलिजाबेथ बॉयल और स्पेंसर का विवाह होता है। खैर, तो अंग्रेजी साहित्य का जो दूसरा सनेट सीक्वेंस है वो एमेरोटी है। फिर दौर आ जाता है शेक्सपियर का। शेक्सपियर के बारे में मालूम है आप लोगों को, एवरीबडी नोज दैट ही कंपोज 154 सनेट्स। बट दिस इज नॉट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, सिंस शेक्सपियर वॉज वेरी मच रेकलेस अबाउट सनेट्स, सनेट्स कंपोजिशन को लेकर के काफी लापरवाह था। और 1592 से लेकर के 1599 तक शेक्सपियर ने सनेट लिखे थे। सो दोज सनेट्स कंपोज्ड बाय शेक्सपियर वर कलेक्टेड बाय थॉमस थार्प। थॉमस थार्प ने 154 सनेट को ढूंढा, तो ये बात इंडिकेट करती है कि शेक्सपियर माइट हैव कंपोज्ड मच मोर देन 154, 154 से ज्यादा कंपोज किया होगा। लेकिन थॉमस थार्प ने उसको कलेक्ट किया और मिला उसको कितना, 154, और उसको उसने पब्लिश कराया था 1609 में। थॉमस थार्प हुआ जो पब्लिशर, ही कलेक्टेड 154 सनेट्स एंड पब्लिश्ड देम इन 1609। तो उसमें कितने कितने सनेट किसको डेडिकेट किए हैं जिसकी चर्चा स्टिल इट इज मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी, जिसके बारे में बाद में मैं बोलूंगा एलिजाबेथन पीरियड या शेक्सपियर को पढ़ाते वक्त। तो डियर, इसके बाद एलिजाबेथन दौर, जो कि अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो एलिजाबेथ डायड इन 1603, लेकिन अगर लिटरेरी हम प्रभाव देखें तो एलिजाबेथन एज को हम 1625 तक रखते हैं, क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में कोई रद्दोबदल नहीं होती है जेम्स फर्स्ट के दौरान भी। तो साहित्यिक तौर पर एलिजाबेथन दौर को हम 1625 तक रखते हैं। इस दौर में सनेट लिखने की परंपरा लगभग समाप्त हो चुकी थी। हाँ, कुछ सनेट्स, होली सनेट्स जॉन डन ने लिखे, मेटाफिजिकल, और एक थोड़ा सा एक रिएक्शनरी ट्रेंड ये चला कि सनेट इतने ज्यादा लिखे गए थे कार्नल लव के ऊपर, शारीरिक प्रेम के ऊपर, कि एक अरुचि पैदा हो गई।
लोगों के मन में एक अरुचि सी आ गई. सो डाइवर्जन वॉज मेड बाई जांडन. उसने होली सेनेट्स और कुछ स्पिरिचुअल सेनेट्स लिखे 19. इसके बाद सेनेट लिखने की परंपरा लगभग समाप्त हो चुकी थी. मिल्टन के दौर में, इट वॉज मिल्टन, मिल्टन ने यह दिखाया कि सेनेट्स कैन बी कंपोज्ड ऑन वेरियस टॉपिक्स, नॉट ऑन ओनली कार्नल लव, कि केवल शारीरिक प्रेम के ऊपर ही सनेट नहीं लिखे जा सकते हैं, ये अलग अलग मुद्दों के ऊपर भी, अलग अलग इश्यूज, अलग अलग टॉपिक के ऊपर भी लिखे जा सकते हैं. सो मिल्टन कंपोज 19 सनेट्स एंड 5 सनेट्स इन इटालियन. लिसन टू मी वंस मोर, मिल्टन कंपोज 19 सनेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड 5 सनेट्स इन इटालियन लैंग्वेज. तो टोटल ही कंपोज 24 एंड एज फॉर इंग्लिश सनेट ही कंपोज 90. सो इसके बाद डियर ये ध्यान रखिएगा कि सनेट कंपोजिशन का जो वोक था, जो प्रचलन था, ये लगभग डॉर्मेंट हो गया. एंड इन ड्यूरिंग रोमेंटिक एरा इट वॉज वर्ड्सवर्थ who composed 123 sonnets under various heads, under various titles: River Duddon sonnet, ecclesiastical sonnet, political sonnet. अलग अलग मुद्दों के ऊपर वर्ड्सवर्थ ने कुल 523 सनेट कंपोज किए और केवल एक सनेट उसने प्रेम के ऊपर लिखा था, Why art thou so sad, my dear? Only one out of 523 sonnets, he composed only one sonnet on the theme of love, right? और सबसे ज्यादा सनेट, अगर वर्ल्ड लिटरेचर की बात करें हम, पूरे विश्व साहित्य में सनेट कंपोजिशन की बात करें, the living legend of India, that is विक्रम सेठ, हिंदुस्तान की जीवित किंवदंती भी कहे जाते हैं, और उन्होंने एक नॉवेल ही लिख डाला था, क्या, गोल्डन गेट. गोल्डन गेट ये विक्रम सेठ का है और इसमें उन्होंने वंजिन स्टेंजा का प्रयोग किया था. डियर वंजिन स्टेंजा भी जो है, ये वंजिन सनेट भी कहा जाता है, इसको वंजिन स्टेंजा भी कहते हैं या वंजिन सनेट भी. वैसे तो इसको ईजाद करने का काम अलेक्जेंडर पुश्किन ने, जो कि रशियन पोएट था, उसने किया था. स्टेंजा फॉर्म की जब हम लोग चर्चा करेंगे तो विस्तार से जितने भी तरह के आज इंग्लिश पोएट्री में स्टेंजा फॉर्म है उसकी हम लोग चर्चा कर लेंगे. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स.